बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में है। बीते दिनों दीपिका को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया था, जिसके चलते ट्विटर पर नॉट माई दीपिका हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। इस विवाद पर दीपिका ने फाइनली जवाब दे दिया है। दीपिका ने साफ कर दिया है कि वो यौन शोषण के आरोपी के साथ काम नहीं कर रही है। दीपिका ने ये जवाब अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में दिया है, जो काफी वायरल हो रहा है। अगर आप नॉट माई दीपिका हैशटैग का किस्सा नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल बीते दिनों खबर आई थी कि दीपिका पादुकोण लव रंजन की आने वाली फिल्म में काम करने वाली है। बताया जा रहा था कि वो इस फिल्म में रणबीर कपूर के अपोजिट दिखाई देंगी। दीपिका रणबीर के साथ लव रंजन के घर के बाहर स्पॉट भी हुई थी। वहीं बीते साल लव रंजन पर मी टू मूवमेंट के तहत कई गंभीर यौन शोषण के आरोप लगे थे। जब मीडिया ने सूत्रों के हवाले से दीपिका के लव रंजन की फिल्म के होने की खबर चलाई तो उनके फैंस नाराज हो गए और ट्विटर पर नॉट माई दीपिका हैशटैग ट्रेंड करने लगी। वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान दीपिका से इस मामले पर सवाल किया गया। दीपिका से पूछा गया था कि क्या वो किसी ऐसे शख्स के साथ फिल्म में काम कर सकती है जिस पर यौन शोषण का आरोप लगा हो। इस पर दीपिका ने तुरंत कहा, नहीं, मैं ऐसे किसी आरोपी की फिल्म में काम नहीं कर सकती हूँ। यानी कि सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन एक तरह से उन्होंने ये कह दिया है कि शायद वो लव रंजन की फिल्म में काम नहीं करेंगी। दीपिका की बात करें तो दीपिका इन दिनों मेघना गुलजार की फिल्म छपक की शूटिंग में बिजी है। ये फिल्म एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी की जिंदगी से प्रभावित होगी। इस फिल्म में दीपिका के साथ अभिनेता विक्रांत मैसी नजर आएंगे। इसके अलावा दीपिका अपने पति रणवीर सिंह की फिल्म 83 द फिल्म में कपिल देव की वाइफ की रोल में दिखेंगी। कपिल देव का किरदार रणवीर निभा रहे हैं।